हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल इन वन एंटरटेनमेंट। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं द फेमस मिड साइज सेडान हुंडई वर्ना। अगर आप लोग हम लोग का चैनल में नया है तो प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर वी अपलोड द न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन फास्ट आ जाएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ये SXO मॉडल है, सो इसमें आपको 1591 cc और चार सिलेंडर मिल जाता है। इसका फ्यूल टाइप है पेट्रोल और मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 121 bhp एट 6400 rpm और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 151 Nm एट 4850 rpm। इसका माइलेज आपको सिटी में लगभग 6 to 7 मिल जाते हैं और हाईवे में आपको 12 to 13 मिल जाता है। जैसे कि हम लोग ये गाड़ी यूज़ कर चुका है तो हम लोग को इतना मिलता है, तो हम लोग वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इस इंजन के लिए हुंडई आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी देता है और इसका टॉप स्पीड 130 टू 140 है और इसका एक्सेलरेशन टेस्ट भी हम लोग कर चुका है, सो इसका वीडियो जल्द ही आने वाला है। आगे की तरफ आपको एक बड़ा सा बोनेट मिल जाता है और ये रहा आपका विंडशील्ड वॉशर। और कैमरा जस्टिफाई करते तो आप लोग देख सकते हैं ये विंडशील्ड वॉशर, और ये रहा आपका वेपर, और ये रहा आपका बड़ा सा विंडशील्ड, और ऊपर में आपको एक डिसेंट साइज सनरूफ मिल जाता है SXO मॉडल में, और साइड में आपको एक शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया लुक प्रोवाइड करते हैं। अगर नीचे की तरफ आ जाएंगे तो आपको हुंडई का लोगो मिल जाता है और ये ग्रिल क्रोम फिनिश में मिल जाता है, और नीचे में एयर वेंट्स, एयर कूलिंग सिस्टम इंजन के लिए, और ये आपका फॉग लैम्प, ये भी प्रोजेक्टर है और ये क्रोम फिनिश में कंपनी द्वारा प्रोवाइड करता है। ये डे टाइम रनिंग लाइट, और ये साइड इंडिकेटेड इंडिकेटर लाइट, और ये आपका हेडलैम्प विद प्रोजेक्टर हेलोजन बल्ब, और इसमें आपको कॉर्नरिंग लाइट भी मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको 16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील मिल जाता है और इसका टायर साइज है 195 बाई 55, और इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, और आगे में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और आगे की तरफ आपको मैकफर्सन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग मिल जाता है। ये रहा आगे का सस्पेंशन, ये रहा आपका मड गट्स, साइड का इंडिकेटर आपको और भी मिल जाता है, कुछ इसे देखने में आता है, और इसका रेन वाइजर हम लोग ने खुद डाल के रखा है क्रोम फिनिश में, आपको लगभग मार्केट में 3000 पड़ जाता है, और ये रहा आपका फ्रंट का डोर हैंडल, ये भी क्रोम फिनिश में, और साइड का लुक ऐसे कुछ देखने में आता है। और ये रहा आपका पीछे का डोर हैंडल, ये भी आपको क्रोम फिनिश में मिल जाता है कंपनी द्वारा। ये रहा आपका फ्यूल टैंक, इसमें आपको 45 लीटर का कैपेसिटी मिलता है, और ये रहा आपका पीछे का टायर, इसमें भी आपको 16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील मिल जाता है और इसका टायर साइज़ है 195 बाई 55, और ये ट्यूबलेस टायर है। ये रहा आपका मड गार्ड, और पीछे में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है। अभी ये रहा आपको सस्पेंशन रियर का, रियर में आपको कपल टोर्सन बीन एक्सल सस्पेंशन मिल जाता है, कुछ ऐसे देखने में आते हैं। पीछे की तरफ आएंगे तो आपको एक बड़ी सा टेल लाइट देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया लुक प्रोवाइड करता है। और ये रहा आपका वर्ना का बैजिंग, ये हुंडई का बैजिंग, इसका नीचे में आपको रिवर्स कैमरा मिल जाता है, और ये रहा आपका इंजन का 1.6 का बैजिंग, और इसका नीचे आपको एक SXO मॉडल का बैजिंग मिल जाता है, और ये रहा आपका ब्रेक लाइट। पीछे की तरफ भी आपको बहुत बड़ा ग्लास मिल जाता है, और ये रहा आपका LED लाइट, ये भी हम लोग खुद डाल के रखा है, और ये रहा आपका सेंसर, आपको 4 मिल जाता है पीछे में, और ये आपका एग्जॉस्ट, और बैक लुक ऐसे कुछ देखने में आता है, बहुत ही बढ़िया लुक है पीछे से। ये रहा गाड़ी का चाबी का लुक, लॉक अनलॉक और ये बोर्ड खोलने के लिए, अगर आप इमरजेंसी में आपको चाबी काम नहीं करता तो आप ये निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं इधर डाल के। इस गाड़ी में आपको कीलेस गो एंट्री मिल जाता है, इसका दरवाज़ा बहुत हैवी है, और उसके साइड में कुछ स्विच मिल जाता है, जैसे कि आपका पावर विंडो स्विच, ये पीछे के लिए और ये आगे के लिए, और ये आपका पावर विंडो स्विच पीछे के लिए ऑफ करने के लिए, ये लॉक अनलॉक, और ये आपका RVM का स्विच इधर ही मिल जाता है आपके लिए,
You're in the switch. और इधर आपको आराम से एक लीटर बोतल होल्डर मिल जाते हैं स्पेस, और इधर आपका स्पीकर ये कॉइन्स रखने के लिए, और इधर आपका ये दरवाज़ा खोलने या बंद करने के लिए, और ये लॉक अनलॉक इधर ही मिल जाते हैं, और इधर आपका स्पीकर छोटा सा। इस गाड़ी में आपको पावर एडजस्टेबल सीट नहीं मिलते, मैनुअल एडजस्टेबल सीट मिलते हैं। इसमें भी आपको लेदर सीट मिलते हैं, ये कंपनी से प्रोवाइड नहीं करते, ये हम लोगों ने खुद लगा के रखा है, टॉप गियर का है, और वेंटिलेशन भी काम करता है। इसका आपको लगभग 15,000 पर ही है। ये रहा आपका एयर वेंट्स, और ये हेडलाइट एडजस्टर, और ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का ब्राइटनेस एडजस्टर, और ये आपका तीन पैडल्स, और इधर डेड पैडल्स भी मिल जाता है आपको, और ये आपका बोनेट का स्विच ये खोलने के लिए बोनेट। अभी हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे। ये रहा आपका पावर बटन स्विच विंडो के लिए, और इधर भी आप आराम से एक लीटर बोतल डाल सकेंगे, और ये रहा आपका स्पीकर, और ये रहा आपका दरवाज़ा लॉक एंड अनलॉक, और ये खोलने या बंद करने के लिए स्विच, और इसे देखने में आता है आपका रियर सीट। ये रहा आपका हेडरेस्ट, सीट बहुत ही कम्फर्टेबल है, और ये आपका आर्मरेस्ट। पीछे में आपको अंडर थाई सपोर्ट और स्पेस का थोड़ा कमी महसूस होगा। ये रहा आपका एसी वैन पीछे के लिए, और ये आपका यूएसबी चार्जिंग सॉकेट कुछ ऐसे देखने में आता है रियर पैसेंजर के लिए। पीछे में भी आपको एक केबिन लाइट मिल जाता है, लेकिन ये एलईडी नहीं है, और इसमें आपको सन ब्लाइंड मिल जाता है, कंपनी द्वारा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये बस SX-O मॉडल में मिलते हैं। ये रहा गाड़ी का फ्रंट डैशबोर्ड लुक, इसमें आपको डुअल टोन इंटीरियर कलर मिल जाता है ब्लैक एंड बेज, कंपनी द्वारा प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको 3-spoke पावर स्टीयरिंग मिल जाता है विद लेदर फिनिश, और इसमें कुछ स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल भी है, जैसे कि आपका वॉइस कमांड मोड, और ये वॉल्यूम अप एंड डाउन, ट्रैक चेंज करने के लिए, और फ़ोन पिक या फ़ोन कैंसिल करने के लिए। और राइट साइड में आपको MID का कुछ कंट्रोल मिलता है, ये MID अप एंड डाउन, और ये ओके बटन, ये कैंसिल बटन, और ये क्रूज कंट्रोल मिल जाता है इधर आपको। आपका सेंट्रल कंसोल, ये एसी वेंट्स, और ये 7-inch टच स्क्रीन, इधर आपको एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी मिल जाते हैं, और नेविगेशन सिस्टम भी इन बिल्ड है इधर, इसे देखने में आते हैं। ये एसी वेंट्स, उधर कुछ स्विच है आपका, जैसे कि नेविगेशन मैप वगैरह, और मेमोरी कार्ड का स्विच है इधर, और ये वॉल्यूम का स्विच है, और इधर आपको AC का मिल जाता है ये टेम्परेचर के लिए, और ये आपका फैन स्पीड, और ये आपका हैजर्ड लाइट, और ये कुछ स्विच वगैरह आपके लिए देख रखा है AC का, और ये आपका वेंटिलेटेड सीट मिलता है इस गाड़ी में, और इसमें आपको ये USB चार्जिंग सॉकेट, और ये इधर ऑक्स, और आप USB डाल सकते हैं, और ये 12-volt चार्जिंग सॉकेट, ये कुछ स्पेस है, कुछ सामान डाल सकते हैं, लेकिन 2019 मॉडल में आपको वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन है। ये आपका गियर 1 रिवर्स और 6 फॉरवर्ड है, और ये हैंड ब्रेक, ये 2-in कप होल्डर, और ये आपका आर्मरेस्ट, इधर कुछ सामान भी डाल सकते हैं आप, इधर बहुत बड़े स्पेस है। ये आर्मरेस्ट भी हम लोग लेदर फिनिश में करके रखे हैं, बहुत ही बढ़िया लुक प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। कॉफ़ी कलर में ये सीट कवर डाला हुआ है, आप लोग भी डाल सकते हैं। और ये रहा आपका साइड का एयर वेंट्स, कुछ ऐसे देखने में आता है, और ये स्पीकर छोटा सा। और इस गाड़ी में आपको कूलिंग ग्लव बॉक्स मिलते हैं, ये रहा इसका स्विच, आप लोग ऑफ भी कर सकते हैं या ऑन भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे देखने में आता है इसका स्विच। इसमें आपको बस तिल्ट एडजस्टेबल मिलता है, रीच के लिए आपको नहीं मिलता है। और ये रहा आपका वेपर का स्विच स्पीड पर आने के लिए, ऑफ करने के लिए। और ये रहा हेडलैम्प का स्विच, इधर मिल जाता है हेडलैम्प और फॉग लैम्प के लिए, और इसमें आपको इंडिकेटर का भी इधर ही मिल जाता है स्विच। ये रहा आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसे देखने में आता है। ये रहा टेकोमीटर, ये आप इंजन टेम्परेचर, ये कुछ MID स्क्रीन, जैसे कि आपका MTD डिस्टेंस, किलोमीटर, सब कुछ दिखाई मिलता है इधर। ये रहा आपका स्पीडोमीटर एनालॉग में, और ये आपका फ्यूल गेज मीटर। ये आपका MID स्क्रीन, इधर आपको सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका गाड़ी कब सर्विस कर चुका है और कब करना है, ये सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इवन आपको पर लीटर में आपका गाड़ी कितना किलोमीटर चल रहा है, सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इधर, बहुत ही बढ़िया फीचर्स हैं।
ऊपर की तरफ आपको सनरूफ मिल जाता है। ये रहा इसका स्विच क्लोज और ओपन करने के लिए। डिसेंट साइज सनरूफ है। ये रहा आपका ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर और ये ड्राइवर साइड सन वाइजर। इधर वैनिटी मिरर का ऑप्शन नहीं है। ये को पैसेंजर में आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। और ये आपका केबिन लाइट ऑन एंड ऑफ, ये आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं ऑन एंड ऑफ। ये रहा आपका सनग्लास होल्डर, इधर आप लोग सनग्लास रख सकते हैं। इस गाड़ी में आपको बहुत ही बड़ा बोर्ड स्पेस मिलता है, 465 liters ऐसे देखने में आता है इसका बोर्ड। उसके नीचे में आपको कुछ सामान रखने के लिए ये नेट प्रोवाइड करता है कंपनी द्वारा। उसके नीचे आपको 15-inch स्टील व्हील मिल जाता है स्पेयर टायर। इस गाड़ी में आपको आरकमिस का साउंड मिलता है, तो आप लोग को अभी सुनाएंगे। ये रहा गाड़ी का ए पिलर, डिसेंट साइज में है, इतना भी बड़ा नहीं है, सो इतना तकलीफ नहीं होगा कॉर्नरिंग करने के लिए। ये और VM अंदर का लुक, अच्छा व्यू एंगल है इसका। और इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स मिलता है, एक ड्राइवर साइड, एक को पैसेंजर और 2 सीट में मिल जाता है आपको। और इधर आपको साइड में आपको और 2 मिल जाते हैं। ये इस गाड़ी में आपको 3 ग्रैब हैंडल मिल जाता है, एक को पैसेंजर के लिए और 2 पीछे का पैसेंजर के लिए। इस साइड में आपको छोटा सा हुक मिल जाता है कोट वगैरह रखने के लिए। ये रहा। अभी हम लोग आपको रिवर्स कैमरा का क्वालिटी दिखाएंगे। इसमें आपको इलेक्ट्रिक गाइडलाइंस भी मिल जाता है। ये रहा इसका क्वालिटी, ठीक ठाक है, इतना भी अच्छा नहीं है। और ये रहा आपका इंजन स्टार्टअप बटन। अभी हम लोग इंजन स्टार्ट करके सुनाएंगे आपको। और पीछे की तरफ जाके आप लोग को एग्जॉस्ट का साउंड सुनाएंगे आपको। अगर इस गाड़ी का डायमेंशन की बात करेंगे तो इस गाड़ी का लेंथ है 4440 mm और विथ है 1729 mm और हाइट है 1475 mm और व्हील बेस है 2600 mm। अगर आप लोग ये मॉडल लेना चाहते हो तो इस मॉडल का प्राइस आपको ऑन रोड लगभग 14 लाख पर जाता है। आई होप गाइस हम लोग ने सभी चीज़ कवर अप किया आप लोग के लिए। अगर किसी भी चीज़ में मिस आउट हो गया तो गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, सो डेट हम लोग वो चीज़ आप लोग के लिए नेक्स्ट टाइम में कवर अप कर सकेंगे। एंड गाइस प्लीज़ कीप अस सपोर्टिंग इन द सेम वे दैट यू हैव बीन सपोर्टिंग, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।